पांच साल तक ये रेगुलर फूल देगा, तीन साल तक आपकी अमन नहीं है। हरिद्वार की तरफ गए, हरिद्वार की तरफ हमने देखा कि पॉली हाउस जो है बहुत अच्छा इनकम दे रहा है जरबेरा फूल, और हरियाणा में नहीं दे रहा। हरियाणा में फिर हमने इसकी मालूम करा तो कि वहाँ पे पानी खारा है और खारा पानी इसके लिए सूटेबल नहीं है, और जहाँ मीठा पानी है वो इसके लिए क्लाइमेट बेस्ट है। तो हमने जब देखा, अपना पीएच चेक करवाया तो हमारी मिट्टी जो है मेरठ की है, यहाँ तो बहुत बढ़िया पीएच है। तो हमें फिर कहा लोगों ने कि आप इसे ट्राई करके देखो। हमने जब देखा तो अब वे भी मानने लगे कि इस तरह इस ज़मीन में इस टाइप इस एरिया में जो मेरठ के आसपास अगर जरबेरा की खेती करोगे तो उसमें ज़्यादा बढ़िया है और ये मुफीद भी हमारे लिए। यहाँ पे क्लाइमेट भी बढ़िया है और पानी सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हरियाणा में काफ़ी पॉली हाउस पिट गए, बेकार हो गए, वो सिर्फ पानी की वजह से उनका मेन फैक्टर है। लेकिन हमारी गंगा जमुना के बीच में जो लैंड है, पानी हमारा बढ़िया है। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, हमने गायें भी पाल रखी हैं देसी, उसमें हम इसमें जैविक प्रयोग करते हैं, इसमें जीवामृत भी लगाते हैं और पंचकाव्य हम खुद बनाते हैं गोबर मूत्र से, तो उसका रिजल्ट और भी बेहतरीन है। तो हमें इसमें जो है फिर केमिकल भी लगाने, केमिकल की दवाई हमें कम लगानी पड़ती है और वो ज़्यादा हमारा इस्तेमाल कर रहा है। ये हमने सबसे पहले सोचा कि भाई कोई ऐसा चीज़ लीक से हट कर काम किया जाए जिससे हमारी आमदनी भी अच्छी हो और जिससे हम कर भी पाएँ और हमारी रुचि भी बनी रहे। चूँकि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है तो मेरे इस पर किसानी वाली खेती वो नहीं हो सकती कि मैं कसला चलाऊँ और हार्ड वर्किंग ज़्यादा हो। तो क्योंकि आजकल मोदी जी भी इस बात को काफ़ी कह रहे हैं कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे, तो मैंने इसमें रुचि ली और फिर मुझे पता लगा कि ये जरबेरा की खेती आजकल बहुत अच्छी है और एक लीलियम है, इसे हम कर सकते हैं और इस पर सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी मिलती है। तो हमने इसका प्रयोग करा और जरबेरा हम एक साल से उगा भी रहे हैं। इसमें हमें 8 से 10 लाख रुपये मुझे खर्चे काट के मुझे इसमें आराम से मुझे बच गए। ये जरबेरा जो है 6 रंगों में है और ये इसकी जो प्योज आती है बेंगलोर से आती है और पुणे से भी आती है, जो अच्छी कंपनी है फ्लोरेंस फ्लोरस, हमने प्योज मंगाई और लगभग 3 से 18 हज़ार के बीच हम रोज़ इसका फूल बेच देते हैं, मतलब इतने पैसे का बेच देते हैं 3,000 रुपये से 18,000। जब साई होते हैं तो इसमें ज़्यादा डिमांड होती है और एक महीना हम इसे फूल की कटिंग करके इसे फेंक देते हैं ताकि उस समय पौधा बड़ा हो जाए, और जब भी इसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसमें हमें ज़्यादा मुनाफा होता है। जैसे अब लेकर नवंबर से मार्च के बीच में मार्केट इसका अच्छा चलेगा और ये शादी ब्याहों में बहुत इस्तेमाल होता है, 5-स्टार होटल में डेकोरेशन में इस्तेमाल होता है। और खाद पानी इसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा रेगुलर रोज़ चाहे ज़्यादा नहीं 1 घंटा हमें विजिट जरूर करनी पड़ती है खेत में।